नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली बात जो है कि आज 11 मार्च को नेशनल डीवॉर्मिंग डे था, तो जिसमें जो 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को, रादर 1 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो डीवॉर्मिंग टेबलेट्स दी गई थी। तो इसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल्स में जो डीवॉर्मिंग टेबलेट्स थी वो फ्री ऑफ कास्ट दी गई थी। आप जानते ही होंगे कि अगर जो बच्चों के पेट में कीड़े रह जाएं, वॉर्म्स रह जाएं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे एनीमिया के शिकार हो जाते हैं और बच्चे उसके बाद मॉल न्यूट्रिशन, जिसको हम सीवियरली मॉल नरिश्ड हो जाते हैं या मॉडरेटली मॉल नरिश्ड हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिस दिन नेशनल डीवॉर्मिंग डे हो उस दिन हर एक बच्चे को जो डीवॉर्मिंग जो टेबलेट है वो ज़रूर देनी चाहिए। तो जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स से या जिन टीचर से जो डीवॉर्मिंग टेबलेट्स रह गई होंगी, कुछ एक बच्चे रह गए होंगे, तो इसके लिए जो फॉलो अप डेट है वो 18 मार्च को है। आपने क्या करना है कि 18 जो बच्चे रह गए होंगे, जिनको दे दी डीवॉर्मिंग टेबलेट्स, वेल एंड गुड, जो रह गए वो आपने 18 मार्च को डीवॉर्मिंग टेबलेट्स, उसको बोलते हैं फॉलो अप डे, उस दिन आपने उन बच्चों को डीवॉर्मिंग टेबलेट्स देनी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है उसमें 12 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर अपने सेंटर में क्या क्या जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकती हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो थीम चल रहा है, पोषण भी पढ़ाई भी, जो ECCE के बारे में चल रहा है, तो इसमें जो एक्टिविटी है जो हम 12 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी सेंटर में कर सकती हैं वो है DIY ऑब्लिक इंडिजीनियस टॉयस फेयर। तो DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। आपने खुद जो इंडिजीनियस टॉयस हैं जो वो बनाने हैं। आपने क्या करना है कि जो घर में वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे एक अगर मैच बॉक्स है, मॉचिस है, जब आप यूज़ कर लेते हैं तो उसका कोई जो है घर में यूज़ नहीं रहता है, आप उसी माचिस से क्या टॉय बना सकते हैं। जी, आंगनवाड़ी वर्कर को देखना है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हैं वो ऐसे टॉयस बनाएंगे, और आप कम्युनिटी मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो महिला मंडल की मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आपने अपने जो अपनी इनोवेशन लगा के आपने घर का जो वेस्ट मटेरियल होगा उसके जो टॉयज बनाने हैं। उसके बाद जो है इसमें, जैसे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जे मोदी जी ने बोला है वोकल फॉर लोकल, तो आपने क्या करना है कि लोकल मटेरियल से जो टॉयस हैं वो बनाने हैं। तो जितने अच्छे अच्छे टॉयस बन सकते हैं तो आपने बनाने हैं, और उन टॉयस को आंगनवाड़ी सेंटर में सजाना है, और उन्हीं टॉयस से जो बच्चों को जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवानी है। तो जैसे जहाँ इंडिजीनियस टॉयस टू प्रमोट लर्निंग एट आंगनवाड़ी सेंटर, जे एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि मिनिस्ट्री using these local ties for creating awareness on healthy living and good nutrition practices. तो जो government है वो ये use कर रही है local ties को, ताकि उनमें अवेयरनेस हो सके हेल्दी लिविंग के लिए, और वो गुड जो न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस हैं वो उनकी अच्छी हों। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टायकथॉन, DIY Do it yourself indigenous ties making workshop with Anganwadi workers पोर्टल में एलो अपलोडिंग ऑफ इवेंट पिक्चर्स। तो इसमें जो क्या है, जो टॉयकथॉन है, जो टॉयकथॉन होता है जी एक यूनिक हैकथॉन होता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं स्कूल के, जहाँ आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं या और कोई एक्सपर्ट्स हैं, वो इकट्ठे होके क्या करते हैं, कोलेबोरेट करते हैं और डिफरेंट अपने अपने आइडियाज़ लाते हैं कि कौन सा जो टॉय है वो बन सकता है। तो हमने जहाँ पे जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में होंगे, जे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगी वो आंगनवाड़ी वर्कर होंगी, और वो जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि जो इंडिजीनियस टॉयस हैं, जो लोकल मटेरियल के आपने टॉयस बनाने हैं, जो वेस्ट मटेरियल के टॉयस बनाने हैं, और वो जो टॉयस आपने बनाए हैं वो आपने पोर्टल पे भी जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, गेम्स प्रमोटिंग न्यूट्रिशन, क्योंकि ये थीम जो इस समय चल रहा है वो है पोषण भी पढ़ाई भी।
तो पढ़ाई भी में आ गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और पोषण भी में मतलब जो न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस हैं जी उसके बारे में हमने सेंसिटाइज करना है लोगों को। तो इसमें गेम्स प्रोमोटिंग न्यूट्रिशन, आपने जो टारगेट ग्रुप लेना है बच्चों को वही गेम्स खिलानी है आंगनवाड़ी सेंटर में जो कि जो न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रही है। तो आपने जैसे अलग अलग जो प्ले नेम दैट फूड, तो कोई भी ग्रैब ए पीस ऑफ फैब्रिक और पुट सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स इन बैग एंड कॉल योर चिल्ड्रन टू द टेबल, ब्लाइंड फोल्ड ईच वन ऑफ देम एंड आस्क देम टू गेस व्हाट द फूड इज यूजिंग विद योर सेंसेस बाय फीलिंग स्मेलिंग टेस्टिंग जो है टचिंग एट्सेट्रा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ब्लाइंड फोल्ड भी कर सकते हैं, बच्चों की आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, जहाँ आप अदरवाइज भी कह सकते हैं कोई फ्रूट वेजिटेबल ला सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं आप आंखें बंद करके उनको उन्हें कहना है कि इस फ्रूट या वेजिटेबल को सामने ले जाना, हाथ लगाओ, बताओ कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जे न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो है जे बच्चों को सेंसिटाइज होंगे और वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का पता चलेगा, एक बात होगी। और दूसरे ऑन द अदर हैंड जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में उसकी बच्चे की क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। तो उसके बाद आप कह सकते हैं बच्चों को कि फूड फेसेस बनाने हैं, मींस कौन सा, अगर हम खट्टा खाते हैं तो कैसा फेस करते हैं, अगर कोई कड़वा होता है तो फेस कैसा होता है, मीठा होता है तो कैसा फेस होता है। तो उनको ये जो कंसेप्ट्स हैं इनका भी पता चल जाएगा और जो फूड्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका भी पता चल जाना, और कौन सा फूड, कौन सी आइटम जो है फ्रूट है वेजिटेबल है या फूड है वो खट्टा होता है, कौन सा जो है मीठा होता है, आपने जे वाली चीज़ें भी आपने बच्चों को प्ले वे मेथड से बतानी है, जे गेम्स भी आप खेल सकते हैं। उसके बाद फूड पेंटिंग आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बाद आप फूड ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि चार या पांच टाइप के फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, डेयरी है, ग्रेन्स हैं, फ्रूट हैं एंड वेजिटेबल्स हैं। तो एक सिंपल मोमेंट दे देनी है हर एक ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन्स जब बोलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे जो है वो स्टार जंप लगाएंगे। स्टार जंप आप देख रहे होंगे, ऐसा स्टार जंप होता है। तो खेल खेल में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर हम जो प्रोटीन्स लेते हैं उससे क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग होती है, उससे स्फूर्ति आती है और उससे हम वो है ताकतवर बनेंगे बच्चों को। तो इसलिए बच्चों को बताना है कि आपने घर में दूध जरूर पीना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो आप बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, मतलब जो पोषण भी पढ़ाई भी जो कंपोनेंट है वो फुलफिल हो रहा है। उसके बाद जहाँ कोई ग्रेन के लिए आप कह सकते हैं कि जो स्क्वैट जंप है वो बच्चों को लगाने के लिए कह सकते हैं कि ग्रेन्स जब बोलेंगे या कोई वेजिटेबल बोलेंगे और कोई जंप लगाएंगे, तो आप ऐसे बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं और बच्चों का जे वाला है गेम्स प्रोमोटिंग न्यूट्रिशन जो है जे आप जे वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो तीन एक्टिविटीज़ हैं जे हम 12 मार्च 2024 को कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ करके आपने आप पोर्टल पे भी चढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।